आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। वेलकम बैक गाइस, मायसेल्फ संकित राव का। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको याद कैसे रखना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपके बताया था कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। अभी हम देखेंगे कि वो पॉइंट्स याद कैसे रखना है। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ कि हमारे जो क्लासेस चालू हुए हैं, अभी ये चौथा वीडियो है आपका, होप्स आपको समझ में आ रहा है। ये चारों वीडियो वही टॉपिक के थे जो हमने ऑलरेडी ले चुके थे क्लास में रेगुलर लेक्चर में, बट ड्यू टू लॉकडाउन एक डेढ़ महीने का गैप आया, इसलिए रिवाइज करना जरूरी था। इसके आगे के जो भी वीडियोज आएंगे वो एक डिटेल में आएंगे, राइट। सो जो सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो आगे चल के नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो वीडियोज आपको डिटेल में मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी इस 14 पॉइंट्स को याद कैसे रखना, एक छोटा सा ट्रिक है उसको हम देखेंगे। ओके, सो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद रखने के लिए आपको कुछ सेंटेंस याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट्स है मैंने उसको शॉर्टकट में कन्वर्ट करके दिया है, तो वो पॉइंट्स है डैट यू सी यूएसएसआर एंड देन ओ आई सी। ओके, सो याद रखना है डैट यू सी USSR, then OIC। देखो बच्चों, ये 14 जो पॉइंट्स है इसके अंदर समा चुके हैं, ये 14 पॉइंट्स पूरे इसके अंदर कवर हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल है, बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। बच्चा अपने पिताजी को बोलता है डैड यू सी USSR एंड देन OIC। ओके, सिंपल सा है, बहुत इजी है। अब हम देखते हैं ये कैसे होगा, 14 प्रिंसिपल कैसे बनेंगे। सो सबसे पहले डैड, डी ए डी, दैट इज डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क, A for authority and responsibility, again D for discipline, then UC, unity of command, C centralization and decentralization, USSR यानी कि U for unity of direction, S for scalar chain, S for subordination of individual interest to general interest, R for remuneration, O for order, I for initiative, S for stability of personnel, E for equity and last E for splitting corps। तो देखा बच्चों, बहुत सिंपल है आपको ये 14 पॉइंट्स याद रखना, जो एक दो स्टेटमेंट से आप याद रख सकते हो। 14 पॉइंट्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि होता क्या है एग्जाम में जो आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें इस पर्टिकुलर 14 प्रिंसिपल्स के पूछने के चांसेस होते हैं, और आप फ्यूचर में कहीं पे भी जाओगे आपको ये 14 प्रिंसिपल्स सेम ऐसे ही मिलेंगे, आपको यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो होप सो आपको समझ में आया है। यहां पर हम हमारा फर्स्ट टॉपिक कंक्लूड कर रहे हैं। जो पार्ट अभी बाकी है फर्स्ट टॉपिक का, वो हम जब लॉकडाउन खत्म होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉकडाउन से पहले हमने ये टॉपिक स्टार्ट भी किया था, बट कुछ कारणवश वो अभी मतलब लॉकडाउन की वजह से अभी हमारे क्लास नहीं हो रहे तो वो बीच में स्टॉप हो गया। तो हम फर्स्ट से फिर से स्टार्ट करेंगे विद एन एग्जांपल, पता है सबको मेरा एग्जांपल। ओके, सो होप सो आप घर पे ये सारे वीडियोज देख रहे हो। और एक बात मुझे आपको भेजनी थी, वीडियोज देखने के साथ साथ आपको मैंने बताया है वैसा आपको नोटबुक में नोट डाउन करके मुझे वो फोटोज जो है वो सेंड करने हैं। सेकेंड थिंग, आपको टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वो टेक्स्ट बुक में से भी आपको वो रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगेन, अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हो। देखो बच्चों, ये सब कुछ जो चालू है ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस जो चालू है, ये आपके लिए चालू है। सो प्लीज, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें वो मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, होप्स आपको समझ में आया है, और कुछ भी अगर डाउट होगा तो आपको वो पूछना है ऑन व्हाट्सएप या फिर नीचे कमेंट करके।